हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस पॉइंट पर मोमेंटम करेगी, किस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हो, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करें, गैप डाउन हो तो क्या करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगी, इन सारी टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि फ्राइडे के दिन एक बहुत ही बड़ी मोमेंटम हुआ था, लगभग 400-500 के यहाँ पर रैली हुई थी, तो मार्केट यहाँ पर आज वोलेटाइल रहा। क्योंकि जब भी मार्केट में 500-600 मोमेंट होती है तो उसके नेक्स्ट डे मार्केट इस तरह से ट्रेड करता है, वोलेटाइल रहता है, रेंज में ट्रेड करता है। आप यहां देखेंगे कि बड़ी मोमेंटम के बाद मार्केट में एक रेंज यहां पर रहा पूरा डे। आज के सेशन में यहां पर मार्केट पूरा डे वोलेटाइल रहा, एक ही रेंज में ट्रेड करते रहा। मार्केट का ओपनिंग फ्राइडे के हाई के आसपास हुआ, थोड़ा सा अप जाने के बाद फिर से डाउन हो गया और पूरा डे कंसोलिडेट किया, इस तरह से यहां पर एक रेंज क्रिएट किया। आप यहां पर एक रेंज देखेंगे तो ये लगभग 35,450 से लेकर के 35,200 के आसपास में है, ये 250 पॉइंट का रेंज है। अगर मार्केट का ओपनिंग कल इसी रेंज में होती है और कल यहाँ पर एक 5 मिनट का कैंडल इस तरह से क्लोज करता है तो हम इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे और सेम कैंडल का जो लो होगा उसका एसएल रहेगा। सेम डाउन साइड भी वही हमारा सिनारियो होगा कि अगर मार्केट इस रेंज के नीचे इस तरह से क्लोजिंग देती है तो यहाँ पर हम इस लो के नीचे सेल करेंगे। कब हम सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 35,200 के पास एक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो हम सेलिंग साइड में हम सेल कब करेंगे, जब मार्केट यहाँ पर पहले एक 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर क्लोज करेगा। कब, जब इस तरह से इस रेंज में ओपन होगा, इसके नीचे एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज होगा और फिर यहाँ पर इस तरह से प्राइस सेक्शन बनाएगा और 35,200 के नीचे क्रॉस करेगा तब भी हम यहाँ पर सेल करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इस 5 मिनट का कैंडल का जो क्लोजिंग होगा उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो इस तरह से पहले मार्केट में सेल साइड बहुत ज़्यादा मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि मार्केट लगातार अप साइड मूव कर रही है, मार्केट का जो साइन है वो बुलिश है, यहाँ पर मार्केट रेगुलर अप साइड मूव कर रही है, तो सेल साइड में हमारा कोई व्यू नहीं है। अगर एक क्रॉस करती है, इस तरह से प्राइस सेक्शन बनाती है तो हम 35,200 के नीचे सेल करेंगे, लेकिन क्वांटिटी कम होगी क्योंकि मार्केट में यहाँ पर सेलिंग का लिए बहुत कम व्यू है, सेलिंग का चांस बहुत कम है। तो अगर क्रॉस करती है तो हम कम क्वांटिटी में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे और बहुत ज़्यादा टारगेट का उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो 35,050 या 35,000 के आसपास में है। तो यहाँ पर आपको लगभग 50 से 100 पॉइंट या 150 पॉइंट कहिए कि आपको यहाँ पर मिल सकती है, तो इसलिए सेल साइड में आप क्वांटिटी कम कर ले। लेकिन हाँ, अगर अप साइड में यहाँ पर क्रॉस करती है, 5 मिनट का कैंडल इसके अपर में क्लोजिंग देती है 35,450 के ऊपर, तो हम यहाँ पर बाय करेंगे इमीडिएटली। और हम यहाँ पर जैसे इस रेंज को क्रॉस करेगा, 35,600 के अपर क्रॉस करेगा इस तरह से कंसोलिडेट करके, तो हम यहाँ पर अपना क्वांटिटी और बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट में बहुत ही अच्छा अपसाइड में मूव हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो यहाँ पर पहले प्राइस सेक्शन का वेट करें। अगर मार्केट इस यहाँ पर ओपनिंग होती 35,600 के आसपास में तो हो सकता है मार्केट इस तरह से यार फिर ये अप मूव करे, तो यहाँ पर हम सेल के लिए नहीं सोच सकते हैं। मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग हो तो हम सेल का व्यू नहीं रख सकते हैं, वहाँ पर हम प्राइस सेक्शन का वेट करेंगे क्योंकि वहाँ से अपसाइड मोमेंटम हो सकती है। लेकिन अगर डाउन में यहाँ क्लोजिंग हो, इसके नीचे क्लोजिंग हो, इस एरिया के आसपास में क्लोजिंग हो, तो मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकती है या फिर प्राइस सेक्शन बना के डाउन साइड क्रॉस कर सकती है या यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। तो पहले मार्केट में आप गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद प्राइस सेक्शन का वेट कीजिए, तब ट्रेड कीजिए। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो जो हमारा एनालिसिस रहता है उसी पर हम ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में देखेंगे कि बहुत गैप अप ओपनिंग हुआ, 50 से 60 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हुआ और मार्केट पूरा डे डाउन साइड आता रहा और यहाँ पर लगातार अच्छी मोमेंटम में यहाँ पर आपको मिला। यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल भी मिला, लेकिन इसके नीचे आपको बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं मिला, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्रॉफिट ज़रूर अचीव हुआ होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि निफ्टी का जो प्राइस सेक्शन है इस तरह से यहाँ पर डाउन आया और यहाँ पर इस तरह से कंसोलिडेट किया। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर एक पैटर्न भी है। तो अगर मार्केट का ओपनिंग इस रेंज में होती है,
15,830 से लेकर के 15,800 के बीच में ये 30 पॉइंट का रेंज है। अगर इस रेंज में ओपनिंग होती है और मार्केट अप क्रॉस करती है तो हम बाय कब करेंगे, 15,850 के ऊपर हम बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस हमारा 20 से 30 रुपए का होगा और टारगेट फर्स्ट टारगेट होगा ये एरिया होगा 15,880 और फिर इसे क्रॉस करती है तो हम यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। लेकिन अगर डाउन क्रॉस करती है तो हम सेल करेंगे 15,780 के ही नीचे सेलिंग का सोच सकते हैं अगर वहाँ पर क्रॉस करती तो भी, क्योंकि 15,780 के पास यहाँ पर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट एरिया देखने को मिलेगा। तो हम सेलिंग के लिए तभी सोच सकते हैं जब ये इस तरह से प्राइस एक्शन बना करके 15,780 को क्रॉस करें। चलिए हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं कल के लिए। पहला स्टॉक है BPCL। BPCL में आप देखेंगे कि BPCL लगातार डाउन साइड मूव कर रहा है इस तरह से, यहाँ पर पुल बैक लेने की कोशिश किया लेकिन मार्केट अप गया नहीं, फिर से यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाया है डाउन साइड का। तो अगर कल है 466 को क्रॉस करती है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे। हमारा जो SL होगा वो 468 होगा और टारगेट SL का दुगना आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर पहले, लेकिन इसका ओपनिंग जो होना चाहिए वो फ्लैट होना चाहिए, 2 से 3 रुपए के रेंज में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन होती है तो आप ट्रेड को इग्नोर करें, लेकिन अगर इसका ओपनिंग फ्लैट होती है और 466 को क्रॉस करती है तो हम सेल करेंगे, SL हमारा 468 होगा। नेक्स्ट स्टॉक है वो टेक महिंद्रा है। टेक महिंद्रा में आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बनाया है, ये लाइफ टाइम हाई पे है और ये सारे हाई को यहाँ पर क्रॉस कर चुका है। लाइफ टाइम हाई के पास बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये एक रेंज है, इस रेंज में बहुत टाइम स्पेंड किया है, लगभग 2 से 3 महीने 4 महीने इसी रेंज में यहाँ पर ट्रेड किया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत ही अच्छा साइन में इसका क्लोजिंग हो चुका है इस हाई को क्रॉस करने के बाद। इसको देखिए, प्राइस एक्शन को समझिए, इस तरह से यहाँ पर इसका क्रॉस कर चुका है इस लाइफ टाइम हाई को और इसका क्लोजिंग जो हो चुका है वो बहुत ही पॉजिटिव साइन में हुआ है। अगर कल है 1108 के ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे, ये बहुत ही अच्छा टारगेट दे सकता है। इसका स्टॉप लॉस 1100 होगा, 8 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। इसका टारगेट बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये 1:4 का भी टारगेट दे सकता है क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई के पास है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है, बहुत ही कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर अप साइड क्रॉस किया है और वहाँ पर क्लोजिंग दिया है। तो इसमें बहुत ही बड़ी मूव आने की चांस है, हो सकता है कल यहाँ पर पॉज ले ले और 1-2 दिन में यहाँ पर मोमेंटम करे, लेकिन ये जब भी इस लेवल को क्रॉस करेगा 1108 को, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है टेक महिंद्रा में। नेक्स्ट स्टॉक है वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील में देखेंगे कि ये लाइफ टाइम हाई के पास आने के बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का फेज था, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करके इस तरह से फिर से ये अपसाइड मूव दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन है, इसे भी यहाँ पर क्रॉस कर चुका है, इसका क्लोजिंग पॉजिटिव साइन में हो चुका है। अगर कल है 1190 को क्रॉस करती है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 1180 होगा और टारगेट 1:2 होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम मूव भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है वो एरिया है, तो इससे ज़्यादा आप जा नहीं सकता, इसलिए हम यहाँ पर 1:2 से ज़्यादा का एक्सपेक्ट नहीं रख सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।